गाइस वॉचि गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्ते क्या हाल चाल कैसे आप सभी लोग सो गुड वाला एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यह बता दो तो मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली आ रही है वेल गाइस एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग लेट एवरी वन ज्वाइन द सेशन फर्स्ट उसके बाद हम चीजों को चालू करेंगे बहुत मजा आने वाला है आज के बीच सेशन में और YouTube पर क्योंकि इसके लिए हम क्लास ले रहे हैं ना कुछ नए बच्चे आएंगे और वो नए बच्चे हमारे स्पेशल क्लास में आएंगे ठीक है इनडायरेक्टली आपका प्रैक्टिस हो रहा है और नए बच्चों को भी प्रैक्टिस मिल जाएगा जी ओके यस यस ठीक है चलो जी आ जाइए नहीं नहीं स्लाइडो पर नहीं आज नॉर्मल है जी एकदम नॉर्मल वाला है कोई स्लाइड उलाइडो नहीं आज एकदम नॉर्मल है आप ठीक है चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग हमारे चीजों को सेशन को बिगिन करते हैं आइए हम लोग हमारे सेशन को बिगिन करेंगे तो हम यहां पर कितने क्वेश्चन करेंगे बेटा विल बी सॉल्विंग ग्रेट हंड्रेड क्वेश्चन हम लोग हंड्रेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस बेहतरीन वाले मॉक टेस्ट के अंदर जी ठीक है आ जाइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा आप सभी को पता है कि अन की जो स्पेशल ऑफर है वो वापस आ चुकी है जी अगर आप सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा एटीन मंथ पर टू मंथ एक्स्ट्रा कोड लगा लीजिएगा अनमोल शर्मा लाइव सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है जी कुछ अन्य प्लस पर नए बैचेस लॉन्च हुए आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं बेटा छब्बीस तारीख को आने वाले छब्बीस तारीख को दो बजे आपकी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है ठीक है बहुत ही ज्यादा इसमें बच्चे होते तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है जी ठीक है कोई मिस नहीं करेगा ठीक है नोटिफिकेशन आ गया क्या चल आ जाओ बिगिन करें बिगेन करेंटार्ट नाउ स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए बिगिन करते हैं बेटा पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये पूछा जा रहा है बोथ सिकल सेल अनिमिया एंड कोरिया आर सिकल सेल अनिमिया और हंटिंगस्टन कोरिया कोरिया ये कैसा बीमारी है ये बेटा एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है अच्छा वॉट डू यू मीन बाय कंजेनाइटल डिसऑर्डर इसका मतलब वो डिसऑर्डर जो कि बचपन से है जो कि बचपन से है उस बीमारी को हम कहते हैं कंजोनाइटल डिसऑर्डर है, है कि नहीं बालक ओके ऑप्शन नंबर सी वुड अ करेक्ट अगला क्वेश्चन अच्छा वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर डी डीएनए ए फ्रेगमेंट मूवमेंट एंड एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल देखिए हम सभी ने पढ़ा है बेटा जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोपोरोसिस के लिए लगाते हैं तो क्या होगा जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो बहुत ही जल्दी जल्दी आगे भाग जाएगा जो छोटू सा फ्रेगमेंट होगा वो बहुत ही तेजी से आगे भागेगा तो स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज फॉर इट मूव अगला सवाल जी विच वन गिव मोस्ट वैलिड एंड रीसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्ट्रोमल मूवमेंट अब बताइए स्टोमैटल मूवमेंट को बहुत ही बेस्ट तरीका से कौन डिफाइन कर रहा है स्टोमैटल मूवमेंट को पोटेशियम so, की इनफ्लक्स और इफ्लक्स अगला क्वेश्चन जी विच ऑफ दी फॉलोइंग दिटेट दी ओपनिंग ऑफ स्टोमैटल अपारेचर कौन स्टोमैटल स्टोमैटलचर को ओपन करता है कौन बड़ा मस्त क्वेश्चन है जी कौन ध्यान से बिकॉज ऑफ रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलोस माइक्रोफाइब्रिल्स इन सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स ये नीट 2017 का क्वेश्चन है दो 2017 का क्वेश्चन है ठीक है अगला सवाल जी द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेज रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है बेटा जी हमको पता है आई यूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अगला सवाल जी विच वन ऑफ दी फॉलोइंग कंडीशन दो हार्मफुल इन इट इट सेल्फ इज अपने में ही है लेकिन एक से बचाता है। कौन सी बीमारी मलेरिया मतलब, से कौन प्रिवेंट करता है सेल अनिमिया ठीक है सिकल सेल अनिमिया जो है ना बेटा आप, आपको मलेरिया से बचाता है बिकॉज इसमें आरबीसी का जो साइज है वो चेंज हो जाता है ना, ना? अगला सवाल बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम दी बॉडी टिश्यूज इन टू द्लड इज प्रेजेंट एज बल्क ऑफ जो कार्बन डाइ ऑक्साइड है तो ना बल्कि परसेंट बाई कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में और आरबीसी में बहुत से वजह सी पार्टिक करते हैं वो गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा जी ठीक है वो गलत हो जाएगा गेटिंग इट गाइस मजा आ रहा है आप लोगों को ठीक है अगला सवाल विच वन ऑफ दी फॉलोइंग गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट मैक्म टू ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन दी अर्थ अब बताइए कौन सा गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कौन सा गैस थोड़ा सोचिए आराम से दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज हम सभी को पता है सर कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का यस सर अगला क्वेश्चन माइकोराइजा इज एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा एक कैसा रिलेशनशिप है तो सर ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हुँ? अगला क्वेश्चन जी मिनरल बी रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड्स अब लार्जर अमाउंट मतलब कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जी हु? वो कौन कौन से तो सबसे पहला है फॉस्फरस पोटेशियम सल्फर एंड कैल्शियम अगला क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द मैमल एट एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन कौन टेम्पोरि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है हम सभी को पता है सर ग्राफियन फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स अगला सवाल मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ लेवल लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम अब यह नीट का क्वेश्चन रह चुका है हम इन्हें क्या कहेंगे कौन सा क्रॉप दे आर कॉल्डिंग क्रॉप इसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं अगला क्वेश्चन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डी एन ए वॉज फर्स्ट शोन इन सबसे पहले किसमें देखा गया था प्रूफ किया गया भाई सेमी कंजर्वेटिव नेचर को किसमें प्रूफ किया गया जी थोड़ा बताइएगा आराम से सोच के तो वो थे बैक्टीरिया किसने प्रूफ किया था तो मैसलसन एंड इंस्टाल ने 197 सॉरी 1958 में इन्होंने प्रूफ किया था हम इकोलाई के ऊपर वो काम कर रहे थे आ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन अब केमिकल इवोल्यूशन का कांसेप्ट किस पर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ कॉम्बिनेशन लाइफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल कंडीशन इसमें क्या बताया गया इसको सूप बोला गया हेल्ड एन सूप हम लोग थियोरी में बात करेंगे सूप कैसे कैसे मैटर्स बने थे ओके okay, वो एक्सप्लेन करा था जी अगला सवाल जी अच्छा हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन आर नीडेड फॉर सिंगल सेल टू मेक ट्वेंटी एट सेल्स अगर वन ट्वेंटी एट सेल्स बनाना है तो कितने डिवीजन होंगे देखिए अब एक से दो सेल बनेगा दो से चार बनेगा चार से आठ बनेगा आठ से सिक्सटीन सोलह थर्टी टू बत्तीस फिर सिक्सटी फोर बनेगा चौसठ सिक्सटी फोर बनेगा और इसके बाद वन ट्वेंटी एट तो कितनी बार डिवीजन हुआ बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो सात बार डिवीजन होगा बहुत से बच्चे एक्साइटमेंट में आके ना वन पर टिक करते हैं बेटा गलत हो जाएगा हुँ? अगला क्वेश्चन सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस बताइएगा सेकेंडरी सक्सेशन कहां पर होता है हु? तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन जी, अब ध्यान से इस को आंसर। देखिए पता है टाइगर जो है इनका ये एक स्पीशीज है अगला क्वेश्चन जी इन टिश्यू कल्चर मीडियम एम्ब्रियोइड्स इज फॉर्म फ्रॉम पोलेन ग्रीन किसकी वजह से किसकी वजह से अब एम्ब्रियोइड्स आर फॉर्म फ्रॉम पोलेन ग्रीन इसका मतलब 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 सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तब उन्होंने एम्ब्रियोइड्स बनाया हुँ? तो सेल्युलर टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है यही होता है ना कि सेल इज हैविंग कैपेसिटी टू फॉर्म दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगला सवाल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसकी कमी से होता है किसकी कमी से होता है बताइए किसकी कमी से होता है वो है सर प्रोजेस्टेरॉन वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर में आता है अच्छा बेटा जी लैक्टोबैसिलस, सेक्रोमाइसिस सर्विशिया, एस्परगिलस नाइगर एंड एसिटोबैक्टर एसिटाइड थोड़ा मेल मिलाप करवाइए तो लैक्टोबैसिलस करोमाइसिस सर्विशिया ब्रेड एस्पर्गिलस नाइगर सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक एसिड अच्छा व्हाट इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस गोल्डन राइस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर गोल्डन राइस तो इट इज अ विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डेफोडिल है ना गोल्डन राइस इज अ विटामिन ए एनरिच्ड अगला सवाल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ वार्मिंग ड्यू टू बताइएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमोस यही होता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है सर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन विच ऑफ दॉलमिंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू दिनिमल पॉलीनेटर्स फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन से हैं बेटा जी एक है नेक्टर और उसके बाद है पोलेन ग्रीनस अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन साइनोबैक्टीरियाज आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू एस साइनोबैक्टीरियाज आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू एस इसको बी जी ए कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी अगला क्वेश्चन प्रोबायोटिक्स क्या होता है वॉट डू यू मीन बाई प्रोबायोटिक्स बेटा जी इट इज अल फूड सप्लीमेंट अगला सवाल अब मेटास्टेटिक कैंसरियस ट्यूमर इज टर्म सार्कोमा मैंने कल आप लोग को बताया था सार्कोमा किसका कैंसर होता है इट इज एपीथीलियल कैंसर है क्या है क्या लेकिन मेटास्टेटिक कैंसर पूछा ना मेटास्टेटिक पूछा हुआ है जी मेटास्टेटिक पूछा हुआ है ओके okay. तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं क्लियर है ये बात है क्लियर है फाइब्रोब्लास्ट सार्कोमा फाइब्रोब्लास्ट अगला क्वेश्चन फाइनल प्रूफ ऑफ द डी एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइनली किसने प्रूफ किया बेटा जी वो है हर सी है ना अच्छा ग्रुप डेवलप्स इन किसमें एक है जी बेटा मैंगो और दूसरा है मेरे पास कोकोनट मजा आ रहा है गाइस एंजॉयिंग अलॉट जल्दी बताओ यार कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी एंजॉयिंग अलॉट ठीक है अगला क्वेश्चन जी हु? टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑन टेलर ने किसमें प्रूव किया बेटा टेलर टेलर थोड़ा ध्यान से बताइएगा ध्यान से इन्होंने विशिया फाबा पे विशिया फाबा जी ठीक है कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन विशिया फाबा जी इसको अपन क्या कहते हैं ब्रॉड बीम भी कहते हैं इसे ब्रॉड बीम भी कहते हैं अगला सवाल व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू द रिवर इट्स बीओडी विल इसकी बीओडी क्या होगी बेटा बढ़ जाएगी इसकी बीओडी जो है वो बढ़ जाएगी इट विल इंक्रीज अच्छा विच ऑफ फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग दोलिन एज अ अल कौन <laughs> बताइएगा वो क्या मेरे स्पोरो पोलिन है अगला क्वेश्चन ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड इट्स थ्री एग्जांपल मैचिंग सेट सॉरी गाइस मैचिंग सेट तो मॉल्यूस का लॉलिगो टेरिडो एंड ऑक्टोपस अगला सवाल व्हेन द पोलन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट अनदर आ गया तो मैंने आप लोगों को बताया क्या होगा अनदर अगर आ गया तो अनदर आ गया तो अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट जिटेनोगेमी लेकिन अगर अनदर प्लांट होता तो जीनोगेमी अच्छा एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल अमीनो एसिड बताइएगा फिनाइल अलेनिन ये है मेरे एसेंशियल अमीनो एसिड ठीक है आ जाओ अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज दैट दे दे क्या है लेयर क्योंकि हम सभी को पता है सिंपल इपिथिलियम एक सिंगल लेयर बनाता है एक सिंगल सा लेयर बनाएगा अगला क्वेश्चन मेनी राइबोसोम्स मे एसोसिएट अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म दी मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली मतलब एक स्ट्रिंग है जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं हम इन्हें क्या कहेंगे सर क्या हम इन्हें पॉलीजोम्स कहते हैं यस सर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द रैबिट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम दे आर कॉल्ड क्या कहेंगे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी नहीं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अच्छा द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन सीटू कंजर्वेशन कौन यहां पर इन सीटू में नहीं आता सर बोटानिकल गार्डन जो है ना वो एक्सीटू के एग्जाम्पल है एक्सीटू के एग्जाम्पल है एक्सिटू के एग्जाम्पल और कौन कौन हो जाएगा जी ये सारे के है। अच्छा, का मेन काम क्या है जी जोर वो जगह होता है जहां से कौन इनिशिएट करता है बालक जहां से कौन इनिशिएट करता है जल्दी बताइएगा यहां से आपके पोलैंड ट्यूब इनिशिएट करते हैं यहां से आपका पोलन ट्यूब जो है वो इनिशिएट करता है अगला सवाल हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हार्मोन हॉर्मोन रिलीजिंग बताइएगा हॉर्मोन रिलीजिंग तो वो है सर प्रोजेस्टोरेट एंड एल एनजी ट्वेंटी इन दोमैटिक सेल साइकिल क्या होता है सोमैटिक सेल साइकिल में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस फेज में होगा डीएनए का जो एप्लीकेशन है सर वो तो एस फेज में ही होगा क्लियर है अच्छा फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कोल्ड ट्रीटमेंट इज हम उसे क्या कहते हैं अगर कोल्ड ट्रीटमेंट करने पर फ्लावरिंग हो रहा है हम इस प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन अच्छा कौन यहां पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट है बिच ऑफ फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट बेटा जी क्या वो मेरे ओजोन है क्या जी वो हमारे ओजोन है मजा आ रहा है दिल से बताओ यार बहुत बड़ा मेहनत लग रहा है यार तुम्हारे पीछे हम और प्रॉमिस निभा के बहुत बच्चे आए नहीं है कल सुबह इनका क्लास लिया जाएगा सीलिएटेड एपिथेल कोलुमिनर एपिथेलियल सेल सीलिएटेड कोलुमिनर आपको हिंट दे दिया गया कोलुमिनर एपिथेलियल सेल इन द ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन कहां पर मिलेंगे सीलिएटेड ये ब्रॉन्की होल्स एंड फलोपियन ट्यूब फलोपियन ट्यूब अगला सवाल अच्छा ये बहुत ही प्यारा सवाल है पूछा है कि पर्टिकुलर लोकस कैपिटल ए का जीरो पॉइंट फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए का जीरो पॉइंट फोर फ्रिक्वेंसी है जी हेट्रोजाइगेट में रैंडम मीटिंग में फ्रिक्वेंसी क्या बनेगा मतलब टू पी क्यू इजिकल टू टू कैपिटल ए स्मॉल सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फोर कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा जल्दी से क्या आपके पास ट्वेंटी फोर आपका जीरो पॉइंट फोर एट आ जाएगा आपको हेट्रोसाइगो में पूछा हुआ है जाओ इन टर्म एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर ए डिजीज इट्स इम्यून रिस्पॉन्स विच इज जनरेटेड इन द इंडिविजुअल ड्यू टू इनफेक्शियस पैथोजन ठीक है अगला क्वेश्चन स्टोमैटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय तो बेटा जी वो है ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन वो है ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन जी क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या ये पॉइंट क्लियर है अगला सवाल विच ऑफ दी फॉलोइंग डस करेक्टली मैच इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन देखिए ट्रिपोनिमा पेलिडम सिफलिस अच्छा फॉलोइंग इज यूज यूज ऑफ लाइक इन द केस ऑफ पॉल्यूशन यूज ऑफ लाइक लाइक क्या होता है जी लाइक किसकी तरह काम करते लाइक बड़ी मस्त क्वेश्चन थोड़ा सोचिए द एक्ट एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन ओके मतलब जहां पर लाइकेस होंगे दैट एरिया इज नॉट पल्यूटेड वो एरिया पल्यूटेड नहीं होगा अच्छा Which one of the following name is correctly नेम इज करेक्टली मैच put पुट by him? करेक्टली मैच तो देखिए, डी वेरिस्ट नेचुरल सिलेक्शन नहीं कौन दिया था इसको डार्विन सर ने दिया था वाइस hmm? मैन जिन्होंने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लेजम इस थ्योरी को दिया था ठीक hmm? है इसका मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैरेक्टर गेट इंफ्लुंसेज जर्म सेल्स मतलब जो कैरेक्टर है वो जर्म सेल से ही पास होते हैं

सर वो है मेरे पास कोलेरा एंडस टी स्मॉल पॉक्स बोलोगे नहीं तुम किसी भी हालत में मम्स होगा नहीं बन हो तो जाएगा अच्छा सिनेग्यामी का मतलब है क्या होता है बेटा ग्यामिट्स का फ्यूजन सिनेग्यामी का मतलब होता है ग्यामीट्स का फ्यूजन है ना गमीट्स को अपन फ्यूज करवा देते हैं अच्छा कौन आपको बर्ड्स में नहीं मिलेंगे बर्ड्स में क्या नहीं मिलेगा सर फोरलिम जो होता है वो तो विंग्स में मॉडिफाई कर गया है ना जी वो तो विंग्स में मॉडिफाई कर गया अगला क्वेश्चन ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इन ग्लाइकोलेट कब काम करेगा व्हेन देर इज लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इसको हमने कहां पर पढ़ा है बालक फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा है फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा है सीटू पाथवे डिफरेंस इन the ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है ना अगला बेटा इन टाइम ऑफ देखो मियोसिस कब होगा बताइएगा मजा रहा भाई वीडियो को लाइक मार दो यार हु? मियोसिस कब होगा फॉर स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन के लिए होता है ठीक है टी प्लाजमेट इज ऑफन यूज फॉर मास्क मेकिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट प्लांट इट इज फाउंडेन कहा पर मिलता है वो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेश फॉलोविंग हॉर्मोन इज नॉट अ सिक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा सर ह्यूमन प्लासेंटा का सिक्रेशन बिल्कुल नहीं है समय दे रहा हूं प्रोलैक्टीन अच्छा वॉट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम ऑफ़ द बैक्टीरिया बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन कौन से हैं सेक्स पिलाई प्लाज्मिड मत बोलिएगा प्लाज्मिड नहीं विच ऑफ दी दी फॉलोइंग सेल हैव दैलॉइड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर किसके होते हैं एक है एंटीपोडल सेल और दूसरा है सेल एट्रैक्टेट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए किसके लिए लोग रिक्वायर्ड है इट इज रिक्वायर्ड फॉर एंटोमोफिली एंटोमोफिली मेल गैमिट्स आर फ्लैजुलेटेड इन किसमें किसमें मेल गैमिट्स फ्लेजुलेटेड है वह है एक्टोकार्पस एक्टोकार्पस नॉन flagellated ये सवाल बहुत बार बना है एरिया उस एरिया में क्या होता है जी? ये एक concept है जिसमें आपको समझाया जाएगा जी ठीक है ये क्या बताता है कि ये मतलब एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड को ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ वॉलेंटरी मोटर इंपल्सिस सारे के सारे लॉस हो जाएंगे सारे के सारे लॉस हो जाएंगे अच्छा विच ऑफ दी फॉलोइंग एनिमल विच पोजेस नर्व सेल्स बट नो नर्व सर नर्व सेल है लेकिन नर्व्स नहीं है इट इज हाइड्रा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन नॉट कंटेन क्या कंटेन नहीं करता फोटोकेमिकल स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं है जी अगला सवाल बिच ऑफ दी फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द डेड सेल डेड सेल तो वो फ्लीम है क्या डेड सेल्स से मिलके बना है ठीक है विटामिन बी ट्वेल्व का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन बी ट्वेल्व का गोड्स लिवर एंड स्पाइर अच्छा कौन यहां पर ज्वाइन करेगा डीएनए को डीएनए को ज्वाइन करने वाला कौन है भाई कौन है क्या वो लाइगेस है अच्छा कौन सा हार्मोन करेक्ट मैचिंग है सोर्स और फंक्शंस को लेकर करेक्टली मैच मैं रैपिड फायर कर रहा है बेटा जी जो मेला है उसको पीनियल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है जो कि नॉर्मल स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डिस इनफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हम लोग फिनाइल को कभी भी यूज नहीं करते मर जाएगा पेशेंट कंजम्शन ऑफ विच वन ऑफ दी फॉलोइंग कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए गोल्डन राइस खाइए तो कुछ दिक्कत नहीं होगा ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज क्यों बिकॉज दे कैन ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अगला भाई कौन यहां पर बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है बेट ना ना सर बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है ये बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है एग्रोबैक्टीरियम ये पैथोजन है क्या बेटा ये बीमारी कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर सो देख रहे हो नए-नए क्वेश्चंस डाले गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बना था बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किसके लिए बनाया गया था ये सर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि सीएफसी इसकी कमी की जाए इनकी यूज को कम किया जाए है ना अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची एप्पल नहीं है लीची तो जूसी ये ये एक new question है, ये एक न्यू न्यू क्वेश्चन क्वेश्चन है है अम्म अगला सवाल मेमरेनियस बैग विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोजोन्स िसिस सिक्स कार्बन कंपाउंड इज अल्टीमेटली चेंज इन टू ग्लाइकोलिस के एंड में क्या पायरुविक एसिड बनता है बाबू पायरुविक एसिड आपका बनता है जो. मजा आ रहा है एकदम मजा आ गया फोड़ दिए तो लाइक नहीं कर रहे हो तो. अच्छा वॉट इज विच इज द कॉज ऑफ डैमेज टू द रिलेटिवलीयोलॉजिकल इफेक्टिवनेस विच इज द डैमेज टू द रिलेटिवली रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस

पैकेट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एट पैकेटाइन स्टेज कौन यहां पर मिसमैच है सर कौन यहां पर मिसमैच लग रहे रोडोज पर फ्री लिविंग है कार्टो से ये फ्री लिविंग है माइकोराइजा तो एसोसिएशन होता है ना तो माइकोराइजा के लिए ग्लोमस फ्लावर्स आर जाइगोमार्फिक इन जाइगोमार्फिक फ्लावर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी जा? गुलमोहर बहुत सारे हैं जी वेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन विदाउट एनी ओवरलैपिंग विदाउट एनी ओवरलैपिंग इम्ब्रिकेट ये एस्टिवेशन को हम लोग इम्ब्रिकेट कहेंगे दिख रहा है कहीं पर हाँ सर विदाउट ओवरलैपिंग इम्ब्रिकेट माइकोराइजा में जो एसोसिएशन होता है वो कैसा होता है सर सिम्बायोसिस फॉलोइ इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डी सर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है दैट इज इंड्यूसर इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं होता है नहीं होता, नहीं होता है. ये नहीं होता है. एक होगा देखो इस तरीके से कुछ दिखता है वो आपका प्रमोटर होगा स्ट्रक्चरल जीन एंड यहां पर टर्मिनेटर प्रमोटर के लिए कौन सा फैक्टर सिग्मा फैक्टर टर्मिनेटर के लिए रो फैक्टर अच्छा विच ऑफ शोज़ द कॉल्ड आर एन एंड एंड टीएमवी टीएम गोल्डन राइस किसकी कंटेंट ज्यादा होगी सर विटामिन ए की कंटेंट ज्यादा होगी अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म स्पर्म का करेक्ट पाथवे क्या है सर रेटिडेस्टिज इफरेंट डिसमिस एंड वास डिफरेंस जाइगोटीन पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर मैंने तो कहीं तो पढ़ा है सर hmm? है कि नहीं आ जाओ तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर टू इंपल्स ऑफ हार्ट बीट इज ओरिजिनेट फ्रॉम एस साइटोक्रोम इज अ आयरन कंटेनिंग पॉरिफ्रीन पिगमेंट फाइलोजेनेटिक क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनर रिलेशनशिप सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परगिलस नाइगर है कि नहीं अगला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन बेटा फैट्स का डाइजेशन कहां पर होता है स्मॉल टाइम अगला सवाल एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन विच हैज अ थ्री अली एंड शोज अ कोडोमिनेंस डोमिनेंस देयर आर सिक्स जीनोटाइप तो कितने फेनोटाइप्स होंगे बेटा तो चार आते हैं एक है ए एक है बी एक है ए बी और एक है ओ ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू अच्छा ग्रेव्स डिजीज किसकी वजह से होता है तो ये थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन है फॉलोइ केमिकल इज यूज फॉर कॉजिंग द डी फोलिएशन पथझड़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अगला क्वेश्चन इन दी हायर बॉटी ब्रेड इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल अगर ये प्रॉपर्टी अगर लॉस हो गई इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज अंतिम क्वेश्चन finches of galapagos island provide an evidence in favor of in favor of biogeographical evolution है ना biogeograph इसको अडैप्टेटिव रेडिएशन हम लोग कहते हैं जी हु? मजा आ गया हु? भाई लाइक मार दो यार फटाफट यार लाइक मार दो यार कैसा लगा सेशन आशा करता हूँ यार बढ़िया ये वेडनेसडे वेडनेसडे जो की ना हर वेडनेसडे आठ बजे आपकी youtube पर होगी रेस्ट ऑफ द डे आपकी एट पीएम पर स्पेशल क्लास पर क्लासेस होंगे अच्छा आपके स्कोर्स कितने करेक्ट हुए ना वो कमेंट में बताना आपको जब रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी ना तब आप लोग कमेंट में बता देना थोड़ा सा रैपिड हुआ ओके ओके मज़ा आ गया ना अच्छा क्या बात है अब यहाँ पर तो लीडर बोर्ड नहीं बन पाएगा अब यहाँ पर तो वो मुमकिन नहीं है बेटा लीडर बोर्ड वाला फंडा है ना चलो मज़ा आ गया यूट्यूब का सर सही उपयोग हो गया ना चलो ठीक है चले बढ़िया बढ़िया फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में ओके okay, मजा आ गया ना जी कैसे बताएंगे जब इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी ना रात में या तो कल तब आप लोग बता देना ठीक है चलो मिलते हैं आपको अगले सेशन में कल सुबह दस बजे आपके अनैडमी पर स्पेशल क्लास है मैं आपका आप पूरा शेड्यूल अभी शेयर कर दे रहा हूँ ठीक है ओके चलो बाय बाय पोल मिस हो गए कौन क्रिज पोल मिस हो गए इनका ठीक है लाइक मार दो बस वीडियो को ओके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी के लिए बस बताएंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू जय यू बाय